तो ये मेरी बाइक है और इस बटन से एंटी थीप अलार्म ऑन हो जाता है और इसी से ऑफ हो जाता है और इस वाले बटन से हम अपनी बाइक पर गाने सुन सकते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इंडियन बाइकर बॉय यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन पर जिससे आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास है ये एक स्पेशल प्रोडक्ट जो कि है एंटी थीप्ड अलार्म विथ MP3 प्लेयर। बाइक चलाते वक्त हेडफोन्स पर गाने सुनना एक काफ़ी ज़्यादा रिस्की टास्क हो जाता है, तो अगर आप बाइक चलाते हुए गाने सुनना पसंद करते हैं तो आप इस डिवाइस को अपनी बाइक पर इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ ही में ये आपकी बाइक को चोरी होने से भी बचाएगा क्योंकि ये है एंटी थीप्ड अलार्म विथ MP3 प्लेयर। तो ये एक डिवाइस में दो फंक्शंस हैं, ये काफ़ी बढ़िया बात है। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले हमको मिलता है ये एक रिमोट कंट्रोल और एक एम्पलीफायर जिनको अभी हम डिटेल में देखेंगे। और अंदर देखा जाए तो यहाँ पर रखे हुए हैं दो स्पीकर्स जिससे हमें साउंड आउटपुट मिलेगा और यहाँ पर ये पत्ती दी हुई हैं और वहीं पर स्क्रू भी हैं उसके अंदर। और ये कुछ हमको वायरिंग मिल जाती है जिससे हम सारी कुछ यहाँ पर ये कनेक्शन करेंगे और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो बॉक्स को रखते हैं साइड में। तो सबसे पहले यहाँ पर स्पीकर्स को देखा जाए तो यहाँ पर हमको दो स्पीकर मिलते हैं जिनकी मदद से हम गाने भी सुन सकेंगे अपनी बाइक पर और साथ ही में जो अलार्म का सिस्टम है वो भी इन्हीं से आउटपुट देगा अपने साउंड का। और यहाँ पर वायरिंग भी दी हुई है स्पीकर में बाय डिफॉल्ट, तो इससे हम कनेक्शन कर लेंगे सारा कुछ। ये एम्पलीफायर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी कुछ डिटेल इसकी यहाँ पर लिखी हुई है। बाकी मैं इसकी जनरल बात करूँ तो आप इस एम्पलीफायर में अपनी पेन ड्राइव SD कार्ड लगा सकते हैं, यहाँ पर दोनों चीज़ों का सपोर्ट मिलता है तो आप अपने फेवरेट सॉन्ग्स इसमें प्ले कर सकते हैं पेन ड्राइव और SD कार्ड की मदद से। एम्पलीफायर की दूसरी तरफ हमको यहाँ पर ये कनेक्टिंग पोर्ट मिलता है जिसमें यहाँ पर हमको ये कनेक्शन वाली वायरिंग भी दी हुई है, तो यहाँ पर हम इससे कनेक्शन कर देंगे। और इसमें वायरिंग देखने में ज़्यादा लग रही है लेकिन ये बिल्कुल ईजी वायरिंग है, मैं आपको बाइक पर इसका कनेक्शन बता दूंगा ईजीली बिल्कुल। और यहाँ पर हमको दो पत्ती और स्क्रूज दिए हुए हैं जिनकी मदद से हम इन दोनों स्पीकर को अपनी बाइक पर फिट कर लेंगे। फिर दोस्तों हमको यहाँ पर ये रिमोट कंट्रोल मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया है। सामने की तरफ एक यहाँ पर LED दी हुई है जिससे आप देख सकते हैं कंट्रोल जा रहा है या नहीं। दोस्तों ये एक मल्टीफंक्शनल रिमोट है जिसकी मदद से आप सिर्फ अलार्म सिस्टम ही ऑन ऑफ नहीं कर सकते बल्कि आप इसकी मदद से गाने सुन सकते हैं और साथ ही में गानों को आगे पीछे कर सकते हैं और स्पीकर की वॉल्यूम को भी आप सिर्फ इस रिमोट से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और करते हैं इसको अपनी बाइक पर इंस्टॉल और मैं आपको सारा कुछ कनेक्शन वहीं पर बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले करते हैं हम स्पीकर्स को इंस्टॉल और स्पीकर को इंस्टॉल करने के लिए जो यहाँ पर हमें पत्ती दी हुई थी वो हमने इस पर लगा ली है। यहाँ पर हमें स्क्रू भी दिए हुए थे तो उसकी मदद से हमने इस पत्ती को स्पीकर पर लगा लिया है। अब मैं स्पीकर्स को फिट करने वाला हूं अपनी बाइक के लेग गार्ड पर, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने दोनों स्पीकर्स को फिट कर लिया है बाइक के लेग गार्ड पर और अब हमको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक कनेक्शन चाहिए है जिसको हम कनेक्ट करेंगे अपने एम्पलीफायर पर। तो उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल वायर की जरूरत पड़ेगी, तो आप एक लंबा वायर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन ले रहा हूँ, मतलब कि यहाँ मैं फ्यूज से कनेक्शन ले रहा हूँ जिसका कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही रहता है। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया है और आप देख सकते हैं आपको इतनी लेंथ का वायर लेना है कि आपके कम से कम साउंड तक तो वो पहुँच ही जाए। तो ये आप देख सकते हैं वायर की लेंथ ठीक ठाक है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये हमारा एम्पलीफायर है इसमें हमने ये पोर्ट कनेक्ट कर लिया है वायरिंग का जो कि इस प्रोडक्ट के साथ ही आता है। तो यहाँ पर ये इतनी वायरिंग है, मैं आपको बता देता हूँ काफ़ी सिंपल इसकी वायरिंग है। यहाँ पर जो दो ये वायरिंग मिलती है ये सीधे सीधे हमारे स्पीकर में कनेक्ट होनी है दोनों स्पीकर में। फिर यहाँ पर जो ये रेड ब्लैक वायर है ये सीधा सीधा पॉजिटिव नेगेटिव का वायर है, तो नेगेटिव आप कहीं भी कर सकते हैं ग्राउंड में और पॉजिटिव को जो हमने बैटरी से पॉजिटिव निकाला है उसी में कनेक्ट करना है। और जो ये दोनों ब्लू वायर्स हैं इनको आपको कहीं भी कनेक्ट नहीं करना है, ये आपके एंटीना और FM का वायर है। और आप इस एम्पलीफायर को अपनी बाइक पर कहीं भी रख सकते हैं जहाँ पर आपको रखना हो। मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अभी इसको बाहर ही रख रहा हूँ जिससे मैं आपको वायरिंग वगैरह अच्छे से बता सकूँ और फंक्शनिंग दिखा सकूँ। तो जो हमारे दोनों स्पीकर हमने फिट किए थे उनकी वायरिंग को हम यहाँ से निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से मैं निकाल लूँगा इन दोनों वायरिंग को और इस तरह से हम निकालने के बाद इनको कनेक्शन दे देंगे हमारे एम्पलीफायर से। तो यहाँ पर हमने इन दोनों का कनेक्शन कर दिया है एम्पलीफायर के इन दोनों वायर से। अब दोस्तों जो हमारा ये एम्पलीफायर का पॉजिटिव वाला वायर है उसको हमने जो बैटरी से पॉजिटिव पॉइंट निकाला है उससे कनेक्शन दे देना है, तो यहीं से हम उसको निकाल कर कनेक्शन दे देंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कनेक्शन देना है और कनेक्शन देने के बाद इस पर टेपिंग कर लेनी है अच्छी तरह से जिससे कनेक्शन कभी निकले ना। तो ये हमारा सारा कनेक्शन हो गया है, अब सिर्फ हमको ये ब्लैक वाला वायर को कनेक्ट करना है। आप इसको कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये नेगेटिव वायर है तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ अपने हैंडल बार पर अभी दिखाने के लिए क्योंकि हमको इसको ग्राउंड करना है। और इन दोनों ब्लू वायर्स को हमको कहीं भी कनेक्ट नहीं करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सारा कनेक्शन हो गया है।
अब आप यहाँ पर अपना SD कार्ड और पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हैं और म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। लेकिन म्यूजिक सिस्टम के पहले मैं आपको इसका एंटी थीफ्ट वर्किंग बताना चाहता हूँ। ये इसका एंटी थीफ्ट अलार्म कैसे काम करता है, तो इस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा अलार्म सिस्टम ऑन और ऑफ होता है। इस बटन से ऑन और इसी बटन से ऑफ होता है। तो हम इससे अलार्म सिस्टम को ऑन कर देते हैं सबसे पहले। और अलार्म सिस्टम ऑन होने के बाद जब भी कोई आपकी बाइक को चुराने की कोशिश करेगा या फिर टच भी करेगा, तो आपकी बाइक काफी जोर जोर से आवाज कर उसको टच करने के लिए पहले एक दो बार मना करेगी। और अगर कोई आपकी बाइक को कंटिन्यूअसली थर्ड टाइम टच करता है तो आपकी बाइक काफी जोर जोर से साउंड करने लगेगी, और वो साउंड तब तक बंद नहीं होगा जब तक आप खुद इस रिमोट से उस साउंड को बंद नहीं कर देते। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर है आपकी बाइक की सेफ्टी के लिए। तो इस तरह से इसका एंटी थीफ्ट अलार्म सिस्टम काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम के बारे में। तो किसी भी पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड में जिसमें आपके फेवरेट सॉन्ग्स हो उसको आप सिंपली यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। और इंसर्ट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको सिंपली इस मोड बटन को टच करना है। और रिमोट पर मोड बटन को प्रेस करते ही आपके सॉन्ग्स प्ले होने लगेंगे स्पीकर के थ्रू आपकी बाइक पर। रिमोट कंट्रोल पर आपको यहाँ पर दो बटन और मिलते हैं जिनकी मदद से आप वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं, और उन्हीं बटन से आप नेक्स्ट और प्रीवियस सॉन्ग को भी प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, आप यहाँ पर खुद सुन सकते हैं। आप इस पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ और काफ़ी ज़्यादा कम आवाज़ में सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं। और दोस्तों स्पीकर्स पर हमको एक छोटी सी LED भी मिलती है, तो नाइट टाइम में ये स्पीकर्स ग्लो करेंगे ब्लू कलर में। तो दोस्तों मुझे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है ये, और इसकी वायरिंग भी बिल्कुल इजी है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। और मैंने इसे परचेज़ किया है अमेजोन से 700 रुपये में। तो अगर आपको इसको परचेज़ करना हो तो मैंने परचेज़ करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से जाकर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और चैनल से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए इसी तरह की बाइक से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, इसलिए मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।